सुखद अवसर मिला है ईमंच की ओर से कि हम आप जैसे गुणीजनों विशेषज्ञों से बात करें, और 200 से ज्यादा अभी ईमंच पर हमारे आयोजन हो चुके हैं और आप लोगों से बातचीत हो चुकी है, और आपने देखा होगा पूरे विश्व स्तर पर ईमंच का यह जो कार्य है ऐसे समय में, हाँ ऐसे समय में जब कोरोना की बड़ी विभीषिका, मतलब मानसिक रूप से भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, ऐसे में आप जैसे संगीतकारों से बात करके हम लोगों को भी सुकून मिला। अधिकारी जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी मेरा तो देखा जाए तो मेरा जन्म ही हुआ एक संगीतमय परिवार से। क्या बात। मेरे पिताजी वो भी तबला वादक ही हैं, और आप एक्चुअली क्या है कि हम लोग फरुखाबाद घराने से बिलोंग करते हैं। क्या मेरे बात पिताजी है, क्या उस्ताद उस्ताद करामतुल्ला खान साहब के पास 30-40 साल तालीम लिया है तबले की, जो बारीकियां हैं तबले की ये सब चीजें। और उसके बाद पापा के शिक्षा तो पापा के पास ही है, सारा उनके पास ही सीखे हैं। कि हम आपको एक चीज बता दूं, जो लोग देख रहे हैं जो गाने बजाने म्यूजिक से जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है कि संगीत में घराने भी होते हैं। तो हमारे तबले में छह घराने होते हैं, तो इसमें जो शिक्षार्थी हैं उन लोगों के लिए भी लाभ होगा कि जो देख रहे हैं मुझे अभी लाइव में, छह घराने जो है वो है दिल्ली है, पंजाब है, अजरारा है, बनारस है, लखनऊ है, और हमारा ये फरुखाबाद घराना है। तो क्या बात। हमने जो मेन जो ट्रेडिशनल जो जो मतलब इस घराने की जो मालिक है उन्हीं के घराने से हम डायरेक्ट, मतलब किसी डिसाइपल से नहीं सीखे, उसी घराने से सीखे हैं पिताजी उस्ताद करामतुल्ला खान साहब। उसके बाद मैंने शुरू किया हमारे जो करामतुल्ला खान साहब का जो बेटा है उस्ताद साबिर खान साहब, वो मेरे गुरुजी हैं, उनके पास 20-25 साल से मैं सीख रहा हूँ। इसके अलावा कलकत्ते में एक सुप्रसिद्ध कलाकार हैं फरुखाबाद घराने का ही तबला वादक हैं, और बहुत स्टॉलवर्ट जिसको बोलते हैं वो है पंडित गोविंदो बोस जी, उनके पास अभी उनके पास भी मैं शिक्षा ले रहा हूँ। बाकी बाकी क्या बताऊं, संघर्ष देखिए मुझे जहां तक लगता है कि संगीत को अगर प्रोफेशन करें तो ये एंडलेस प्रोसेस है, और इसमें कोई मतलब गारंटी नहीं कि आप इस प्रोफेशन में आगे कुछ कर लोगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन निरंतर निरंतर प्रयास अचूकना नहीं चाहिए। देखिए हमने कोई रेलवे या बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड में पेपर करके मैं, तो नौकरी करना नहीं। संगीत एक ऐसा जरिया है कि एक शून्यता से कैसे उन्होंने शिखर को स्पर्श किया हुआ है, तो संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, बस कि उसको हम अपने अनुसार ना करें, संगीत को संगीत के अनुसार से करें, संगीत के अनुसार करें। और दूसरी बात यह है कि निरंतर मुझे जहां तक लगता है, इतनी मेरी भी उम्र हो गई है, मुझे एक चीज अभी आके इस उम्र में आके जाके सोचता हूँ कि ईमानदारी से अगर संगीत को किया जाए तो उसकी उसे जो है जो भी करेगा उसको रोटी का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने पीने की कमी नहीं होगी, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी, खाने पीने की नहीं, बहुत केवल खाने पीने की नहीं, रोटी कपड़ा मकान और सम्मान, मकान सब ये सब सारी चीजें देखिए मिलेंगी। अभी वही आपको आपको एक चीज बता दूं, मैं तीन नौकरियां छोड़ी है मैंने, किया नहीं आज अगर एक तो ऑल इंडिया रेडियो का मेरी नौकरी लगी थी 93 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम दूरदर्शन में मेरी नौकरी लगी थी, तो उस टाइम पोस्ट था आपका प्रोग्राम ऑफिसर, आज अगर मैं होता तो स्टेशन डायरेक्टर होता, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद मेरे दो सरकारी नौकरी और लगी थी, क्योंकि मैंने देखा इसमें कोई काम नहीं है, इसमें जो है आप 10 बजे ऑफिस आओ और वही है फाइल वाइल लेके काम बस करते बस रहो, और मैंने आपकी जिंदगी इसमें, में क्या दिया। हाँ इसमें सुबह हुई शाम हुई उम्र यूं तमाम हुई वाली बात है, बस 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 अब बस आपने सही बात बोली, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ बोल आप सुनाएं, है ना, तबले में, क्योंकि तबले का संबंध बोल से है, तो कुछ बोल सुनाएं और फिर उसके बाद हम अपने बोल को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए मैं छोटी सी एक चीज, अभी तबला जो है लोग सोचते हैं कि तबला ऐसा ही एक सब्जेक्ट बजाते हैं, वो ऐसे ही एक विषय है,
जो थबड़ 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 करके पीटना होता है। लेकिन क्या है कि हमारे गुरुजी भी कहा कहते थे और अभी भी कहते हैं, मेरे पिताजी भी कहते हैं, पंडित आनंद मोहन अधिकारी जी, कि जी तबले जी में भी सुर है, हाँ तबले हाँ में भी सुर है, पीटना हाँ हाँ पीटने का काम नहीं है। तो हाँ हाँ वही है कि कुछ हमारे जैसे हमारे तबले में पुराने चीजें सब है, कुछ पुराने कंपोजिशन ऐसे हैं जो जिसमें एक ऐसा लचक है। हाँ, क्या बात। जैसे हाँ हाँ मेरे पिताजी पिताजी का एक कंपोजिशन मैंने पिताजी सिखाए थे, उनके गुरुजी के कंपोजिशन है। अब छोटी सी हाँ चीज हाँ देखिए, जैसे हाँ गांव हाँ हाँ में जो लोग घड़ा लेके पानी लाने जाते थे एक टाइम पे, तब तो कहाँ ट्यूबवेल था, कहाँ कुछ था, वो तो मतलब पानी दूर से जाके लेके आना पड़ता था। तो कलश में पानी भर के फिर जो स्त्री लोग होते थे तो ऐसे करके ले जाके जाते थे। तो उसका एक हाँ छंद हाँ भी है, हाँ हाँ वो जो क्या बात चलने क्या का बात भी, है, क्या अभी बात बात आपसे हो रही थी कि आपने बोल रहे थे कि जी। सम पे नहीं हुआ था सब खराब। अब हाँ सब 2020 में खराब जो है। हुआ है, सम पे नहीं, सब हाँ, सम सम पे नहीं थे, इसमें पे सारा नहीं था। खराब हाँ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ने सबको बोला कि ऐसे सम पे देखिए, आओ। असम पे आओ। हाँ तो अभी देखिए हाँ ये कंपोजिशन इतना बढ़िया है, वो जी पहले जी पढ़ के सुनाता हूँ फिर मैं बजा के सुनाता हूँ। जी जी देखिए क्या कितना बात है, तबले का स्वागत। बोल पढ़ने का भी एक अलग अंदाज है, जैसे अरे बिल्कुल पढ़ोगे बिल्कुल ऐसे साहब, आपको उसमें हाँ से निकलेगा। देखिए कितना सुंदर बिल्कुल कंपोजिशन है। बिल्कुल। हाँ धिन धागे ना धा, धागे ना धाती गे गे तक, दिन दिन ना गे ना ताके तीरा कित, धिन धागे ना धाती गे गे तक, दिन दिन ना गे ना तिन ताके ना क्या ता, बात। ताके ना ताती हाँ के तक तेने तिना के ना। देखिए जैसे बात कर रहे, ताती के बहुत तक बढ़िया। तेने तिना के ना, ताके तीरा कित, धिन धागे ना धाती गे गे तक, धिन दिन, मतलब एक जो वार्तालाप होता है वो मीठी बात में हाँ आप बात करोगे। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे अंदाज में बोलूं, दिन धागे ना था, धागे ना था, के तक दिन दिन, इससे वो मजा खराब हो जाएगा। ये भी मजा देखिए खराब हो क्या जाएगा। मजा बिल्कुल खराब हो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि तबले का बोल हो जो भी हो, ये तो आपका इसमें कवित्व है, लिटरेचर है, साहित्य है, हाँ, वो साहित्य बिल्कुल जो जी बिल्कुल आपको पेश करना है वो आपको कैसे पेश करेंगे। बिल्कुल अब देखिए इसी चीज को मैं कोशिश करता हूँ, ये मेरे जी 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 दादा दादा गुरु जी का कंपोजिशन है, इसको जी बहुत स्वागत लोग है। हाथ नहीं लगाते हैं। देखिए जी देखिए जी जी जैसे जी मैंने बोला, जी जी धिन धागे ना था, धागे ना था दी के तक, धिन धिन नागे ने ताके तीरे की, धिन धागे ना था दी, धिन वाह धागे ना वाह वाह था, धागे ना था दी के तक, धिन धिन नागे ने ताके तीरे की, धिन धागे ना था दी, धिन धागे ना क्या था, बात। धागे ना था दी के तक, धिन धिन नागे ने ताके तीरे की, धिन धागे ना था दी के तक, धिन धिन नागे ने, धिन धागे ना था, धागे ना था दी के तक, धिन धिन नागे ने ताके तीरे की, धिन धागे ना था दी। वाह वाह अब वाह इसके वाह, आप माइक आप कान में लगा रखे हैं तो हम, क्या मेरे बात। पिताजी हर वक्त कहते हैं कि ये तबला, इसको तबला बोलते हैं, चांटी ये हाँ है, चाहते, क्या आप इसको इसको स्त्री बोलते हैं और ये है हस्बैंड, बात। पति, हाँ, ये पति ये बिल्कुल। पत्नी। अब ये पत्नी ज्यादा बोलती है और पति कम बोलता है फैमिली में जो होता हाँ, लेकिन है ये जो सॉलिड ये बोलता है। पति जो है, पतिदेव कम बोलते हैं और ये ऊंची आवाज में बात करती है, इसलिए खनकती है। तो इसी चीज को देखिए आप, हम लोग जो रियाज करते हैं, इसी चीज को जब वाह हम वाह वाह और ज्यादा रियाज करते हैं, रियाज करने पर वाह। इसी हाँ कंपोजिशन को देखिए कैसे बजते हैं। क्या बात। हाँ। ऐसे 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 चीजें जैसे क्या बात, घोड़े सब चीजों के ऊपर देखिए। मैंने आप देखे कि नहीं, हाँ बहुत बिल्कुल बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल। जी, चलें आगे तो आगे बोलिए। ऐसे 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 सब बंदी से बनाए गए पुराने लोगों की सब, जो हमारे उस्ताद जी, उस्ताद लोग, पंडित लोग जी, जो एक एक इतना आपको एक दो बकाया ऐसे बताऊंगा कि लोग शायद उनको मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे खानदान जुड़े हुए हैं संगीत के साथ इतने सालों से। मेरे पापा अभी भी 82 साल के हैं, अभी भी इस उम्र में भी दो दो घंटा ओहो, रियाज करते हैं रेगुलर। अरे मुझे खुशी होती है कि जी, मैं ऐसे घर में जन्म लिया जिनके घर में पूरा संगीत बसा हुआ है और सारे क्या बात। हम लोग यही इसी में जुड़े हुए हैं। और बाकी बाकिया ये मैं बताता हूं कि
मेरे पिताजी एक्चुअली क्या है, वो एक शिक्षक बन के रह गए, क्योंकि उनके दिल अच्छा में था कि एक बहुत बड़े तबला वादक बनेंगे। लेकिन क्या है कि आपको पता है, परिवार पालना, ये करना वो करना, इसी में वो जुट गए, तो वो शिक्षक बन के रह गए, तबले की शिक्षक बने। लेकिन प्रकांड विद्वान है वो। लेकिन उनके दिल में ये था कि कम से कम मैं जो कर रहा हूं, मैं आगे निकलूं और थोड़ा मुझे लोग जाने पहचाने और बड़े लोगों के साथ मंच में बैठ के बजाऊं, पूरे भारत तो क्या, पूरी दुनिया में। तो उन्होंने उसी हिसाब से मुझे धकेले और बोले कि तुम भाई शिक्षक बन के मत रहो, तुम अपने आप को क्या आगे बात, बढ़ाओ। तो क्या उसके बात, बाद क्या बताऊं, सारा वो शेड्यूल अलग से बना है, मेहनत करना पड़ा, एक एक दिन तय, फिर शहर छोड़ा, शहर छोड़ के दिल्ली आके बसा। आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले जब दिल्ली में सेटल हुआ, एक जमाने में मुझे एक रोज का खाना नहीं मिलता था, नसीब नहीं होता था, ऐसे भी दिन मैंने अरे देखा है। अरे, दो हाँ दो दिन, तीन तीन दिन ऐसे ना, रात को खाली जस्ट क्या बोलेंगे आपको, पूरा दिन घूमते थे दिल्ली में, सड़कों में काम ढूंढते थे, कौन काम देगा कौन जानता है। लेकिन क्या है कि वो आधे दिन तो बिना खा के सो जाते थे। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब परेशानी नहीं, लेकिन बात यह है कि स्ट्रगल आप जब तक नहीं, संघर्ष जब तक नहीं करोगे, आपको वो चीज प्राप्त नहीं जी, होगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर हम बिल्कुल सोच लें कि नहीं हमें फ्लूक में सब मिल जाएंगे, ये तो होना नहीं है। तो ये आपको प्रूव हाँ करना हाँ है कि आप क्या हो। तो आज बिल्कुल की बिल्कुल तारीख में, आज मैं जहां जिस मुकाम में बैठा हुआ हूँ, जो भी है, ईश्वर की सब दिन है, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद है, बिल्कुल सर, और जो काम कर रहा हूँ, बड़े उस्तादों के साथ बजा रहे हैं, पंडित लोगों के साथ बजा रहे हैं। तो एक छोटी सी बकिया, एक मैं वाकया मैं बताता हूँ। पंडित रोनू जी, मजुमदार जी का नाम आप लोगों ने सुना हो, सुने अरे होंगे। अरे वो मैं बजा रहा था, ये वाकया इसलिए जी बता रहा जी हूँ, मैं सब जगह बताता हूँ इसको, एक एग्जाम्पल है मेरे जी लिए। हाँ वो कॉन्सर्ट खत्म हुए तो उन्होंने ऐसे मुझे लपेट लिए, बोले आज देवशीष भाई हाँ तुमने कमाल का बजाया। तो मैंने बोला अरे दादा कुछ नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद, जितना भी बजा रहा हूँ टूटा फूटा सब आप लोगों का आशीर्वाद। एक जमाना था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक जमाना था जब मैं हाफ पैंट पहन के आपका बांसुरी वादन सुनने जाता था, टिकट लेके, मतलब जब छोटे थे, जब क्लास 7 8 क्लास में कक्षा में पढ़ते थे, तब रोनू जी बजाने आते थे तो हम लोग सुनने जाते थे टिकट लेके। तो कभी हमने सोचा नहीं था कि एक जमाना ऐसे भी आएगा कि आपके साथ बैठ के मंच पे बजाते जाऊंगा, और वो भी लगातार। तो क्या उन्होंने बात, बोले, क्या पता है उन्होंने कितनी हाँ बड़ी बात बोले, बोली, देखिए उन्होंने बोले, हाँ ये मैं तो तुम्हें हैट्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, क्योंकि तुम एक जमाने में मुझे सुनते थे और आज तुम हाँ मुझे बजा रहे हो, इसमें क्रेडिट तुम्हारी है, मेरी कोई क्रेडिट नहीं है। कितनी बड़ी वाह बात, वाह वाह, क्या देखिए। तो बात है, वाह वाह, अभी भी क्या है कि देखिए, आजकल मैं एक चीज बताता हूँ, आज जो युवा संप्रदाय, जो जो युवा पीढ़ी है ना, इनसे मुझे जी जी बड़ी बड़ी कभी कभार बड़ी मैं नाराज हो जाता हूँ। ये लोग ना रियाज, जो जी साधना है, वो नहीं करते। देखिए जी जी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हम लोग भी यूज करते हैं सभी, लेकिन हम लोग यूज करते हैं उस हिसाब से नहीं, जैसे आपसे एक अच्छी बातचीत हो रही है, कुछ जानकार, जी कोई कई चीजें जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जी जो जी युवा पीढ़ी है, वो रोज दिन लगे रहते हैं फेसबुक में, उसमें उसमें, अरे इतना टाइम उसमें भैया नहीं लगाओ, उसमें तो रियाज में लगाओ अपने आप, फेसबुक। और वो आप देखिए, मुझे तो किसी ने कांटेक्ट किया था ना, मैं तो आपको कांटेक्ट नहीं किया था, आप मुझे ढूंढ के निकाले ना कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनको उनको बुलाना चाहिए। तो आपने आपको उतना तो बिल्कुल, तैयार कर लो भैया। तो एकदम मैं बहुत बहुत नाराज हो जाता हूँ, क्या एकदम बताऊँ। और इनके ऊपर एक्चुअली, जहां तक मुझे लगता है साहब, कि जी, इनके बहुत ऊपर ना, मतलब वो एक होता ना, घर पे होंगे तो माता होते, पिता होते, जो हमें एक शासन के अंदर रखते हैं, वो चीज की बढ़िया, कमियां मुझे, मैं जहां तक देख रहा हूँ, वही चीज की हाँ हाँ कमी। जी, ये उल्टे 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 दिशा में जा रहे हैं, अच्छे हैं, हाँ हमसे हाँ ज्यादा टैलेंटेड है, हालांकि मैं तो कहता बहुत हूँ हमसे टैलेंटेड ज्यादा, है जी। बहुत अच्छा, और टैलेंटेड मैं है। बताऊं, और नहीं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई मंच को देखने वाले सबसे ज्यादा हाँ हजारों की संख्या में हमारे नवयुवक हैं, और अभी क्या आपको बात, देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख क्या रहे बात, हैं, और आप जो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सब वो फॉलो करेंगे। मैं चाहता करना हूं कि चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूं कि छोटा सा तबले का इतिहास जो है
छोटा सा आपके मुंह से मैं बताता सुनना चाहता हूँ। हाँ बस हूँ। हाँ छोटा सा कि नहीं, कैसे कैसे ये तबला छोटा सा सीखा। मैं 2 मिनट में, 2 मिनट में बताता हूँ। बस बस बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल सबसे ज्यादा क्या हुआ है, मुझे जहां तक लगता है कि तबले के ऊपर ही ज्यादा रिसर्च हुआ है अब तक। जी अभी हाँ इसकी बिल्कुल जो बिल्कुल इतिहास जो है कहाँ से आया, जहाँ मेरा थोड़ा सा खोजबीन मैंने किया है। अभी मेरा एक जी 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 मैं जी लिख रहा हूँ, एक हाँ पुस्तक हाँ लिख हाँ रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा उसको निकालने में। तो उसे क्या मैंने बात छांट है। के देखा है, बहुत खोज मतलब खोज के देखा है, ये हाँ हाँ इटली से आया था। अब लोग इटली हंसेंगे, से। अच्छा इटली से तबला कैसे आया? हाँ या इटली से अच्छा तुबल, तुबल तुबल नाम के एक राजा थे। वो 2 पीस का ना, एक वो बोंगो आपने देखा होगा जो बजते हैं हाँ 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 फिल्म इंडस्ट्री हाँ में, हाँ बजाते हैं 2 पीस का, हाँ वो हाँ बजाते थे। तो अच्छा वो फिर इटली से क्या, वो ये आपका अरबियन कंट्रीज में आया। हाँ अरबियन हाँ कंट्रीज में आने के बाद उसका सेफ जो है थोड़ा सा बदल दिया। बदलने के बाद अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किया, एंट्री किया। अब ये एक मत है, वहां से वो तुबल से नाम तबला हुआ है, कुछ लोग ऐसे अच्छा बोलते हैं। अच्छा, आप जो हमारे हिसाब से जो है, जो आपका मुगल पीरियड का अगर देखें, या उसमें आमिर खुसरो जी को हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वो पाखावज काट काट के जो है तबले बनाया था। हाँ ये बराबर आपका 17 से भी इतिहास का साल भी बता देता हूँ, 1721, 1721 साल की, जब उसमें उन्होंने तबला आविष्कार किए थे। लेकिन ये बिल्कुल है कि आप पुराण देखिए, वेद उठा के देखिए कि गणेश जी बजाते थे, तो तबला हाँ बजाते बराबर थे। तो बिल्कुल अब बिल्कुल क्या है कि देखिए, अब चीजें जो हमें तो उस टाइम इतना, हम देव पुस्तक में जो खोज में मतलब जो लिखे हैं वही हम विश्वास करेंगे। तो इसमें बहुत सारे मते हैं, लेकिन जो भी हाँ है वो ऐसे आया हाँ हाँ हुआ है कि ये तो पहले 2 पीस का नहीं था, ये पखावज का ही था। ये मतलब बीच में से काट करके तबला बनाया गया। अच्छा, आमिर जी खुसरो साहब ने उस टाइम, एक जी सभी लोग तबला जो पता नहीं मेरे साथ, हालांकि मुझे पता नहीं कि लोगों को मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने गुरुजी से मुझे हमें ये नॉलेज मिला है कि ये आमिर खुसरो जी जो पहला ताल जो है तबले में बनाए थे, उस ताल का नाम है सनम, सनम तनम 16 मात्रा तनम की, सनम 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 मतलब अच्छा आपने सनम प्रिय प्रिय जो इसको प्रिय बोलते हैं सनम, तो हाँ। वो 16 मात्रा की ताल उन्होंने उस टाइम बनाए थे। वो ताल भी अच्छा लोगों को मालूम नहीं है क्या ताल है। लोग अच्छा जैसे तो हमारे बताइए थोड़ा अक्सर सा। अक्सर क्या, हाँ हाँ जी मैं जरूर बताऊंगा, अक्सर क्या होता है जी जो तबले की विद्यार्थी है या तो संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, वो तीन ताल, एक ताल, धमार, रूपक, झुमड़ा, ये सब ताले जो है प्रचलित ताले हैं, ये सब मालूम है। जी जी लेकिन ये हाँ ताल हाँ जो है, ये ताल मालूम नहीं है कि किसी को भी मालूम नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। तो चलिए, वो अरे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु से मिला है। ये हाँ 16 मात्रा हाँ की ताल है, इतना सुंदर स्वागत इसमें स्वागत छंद है। देखिए बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल धिन देखिए, धिन तेरे किटे धी ना थुन ना धी धी ना धी ना धी कृदन्ना तेरे किटे तन्ना कत्ता धी ना धी। ये ताल उन्होंने बनाए थे उस टाइम जब तबला मैं एक इन्होंने, बार तबले में हम सुनना चाहेंगे एक बार उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखिए, हाँ धिन तेरे किटे धिन ना कत्ता धी ना धी कृदन्ना तेरे किटे तन्ना कत्ता धी ना धी धी ना धी। देखिए कितना अच्छा सुंदर है, डिफाइन कर जी देता जी हूं जी मैं। जी हाँ तीन हाँ ताल हाँ जो है ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसे करके 4 डिवाइडेशन है इसमें, विभाग जो है अच्छा चार है। हाँ इसमें हाँ भी 4 ही है, लेकिन इसका छंद थोड़ा अलग है। जैसे इसका डिवाइडेशन ये है 5 3 4 4, अच्छा पांच कैसे पांच हुआ, तीन चार चार धीन हाँ तेरे किट धी ना थुन ना, हाँ ये यहाँ 5 हो अच्छा गया, धी धी ना ती कृतन्ना, अब हाँ यहां से बराबर आ रहा है, ती कृतन्ना तेरे की तन्ना कत्ता धी ना धी। अब अच्छा 1 साल की आप जब बात कर रहे हैं, आप हाँ उसका हाँ क्वेश्चन का बिल्कुल भी जवाब मैं दे दूं। नहीं एक एक देख बार आप एक ताल के बोल सुना दीजिए, एक ताल के बोल सुना हाँ दीजिए थोड़े देखिए, बार। 1 साल हाँ सुनिए, धिन हाँ धिन धागे तेरे किट थुन्ना कत्ता धागे तेरे किट धिन धा धिन, ये बराबर लेके हैं। हाँ अब बराबर 1 साल में भी 1 साल लोगों पर
और बच्चों को ऐसे ही सिखाना होता है कि एक ताल का नहीं, ये लेकिन ये सनम में जो बोल लिया गया है एक ताल का, कि इस सनम से एक ताल में बोल लिया गया है, मैं वो बात जानना चाह रहा था। हाँ, मैं आपको वही चीज बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ जी अभी कि जी जो भी देखे, कोई भी ताल कोई किसी ने बनाया, मैंने भी एक दो ताले मैंने खुद अपने बनाए। आपको कटिंग जो होता है ना, कटिंग जो होता है जहां से लोगे तो उसका इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा किसी भी ताल का। अच्छा आप देखिए धीन धीन ऐसे एक एक बोल है जो सब में आता है, सब हर ताल में धीन का। देखिए आपको मैं तीन ताल बोलिए धा धीन आ गया, आप झप ताल बोलिए धीन ना आ गया, रूपक में आ जाइए गया आ गया। ती ती हाँ ना धीन, ऐसे हाँ ना वो इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। अब क्या आ होता है, जाता आपको है। एक चीज बता दूं, कुछ हाँ ठीक है। अप्रचलित ताले लोगों ने भी बना के गए, जैसे हाँ हाँ ब्रह्मा विष्णु हम्म अर्जुन ताल सरस्वती ताल, ये क्या हुआ है। देखिए अच्छा अच्छा आपने मेरे को ताल की थोड़ा थोड़ा सा, नहीं नहीं अब बात चली है ना, तो अधिकारी जी मैं हाँ जानना चाहता हूँ ये आदि ताल के बारे में बताइए। आदि ताल क्या है, किसको कहते हैं हम आदि ताल? ये आदि ताल जो बनाया गया था वो भी तीन ताल का, इस तीन ताल 16 मात्रा के कितने ताल है आप पहले देख लीजिए, तीन ताल के अलावा जी है ये आदि ताल हाँ भी हाँ होगा, ये आपका हाँ आड़ा आड़ा ताल, एक आड़ा ताल भी है, एक हाँ आड़ा पंजाबी ताल जत भी है। है, हाँ हाँ एक हाँ एक हाँ पंजाबी जत जत है वो भी 16 मात्रा के हैं, और इधर जी आपका वो शुद्ध वो ये भी है आपका धा अतिरिक्त धिन धिन धा धा धिन धिन, ये तिलवाड़ा ये भी 16 मात्रा के जी हैं। जी तो जी 16 मात्रा जी के इतने सारे ताले हैं, लेकिन हाँ हाँ आपको हाँ एक चीज मैं बता दूं साहब, जी जी ये मेरी तो जिंदगी कट गई इतने साल तबले में। हाँ हाँ अभी बिल्कुल मुझे बिल्कुल किसी ने एक जगह, मैं आप ही की तरह इंटरव्यू दे रहा था, तो हमने हमें पूछा मुझे मेरे से पूछा ताल की बात, जब आपने छेड़ दी ना तब तो उसके दिमाग थोड़ा खराब हो गया मतलब उस हिसाब से नहीं उस हिसाब से नहीं। अब देखिए जो प्रचलित ताल है प्रचलित ताले जो है वो तो हम तो बजाते ही है, लेकिन आजकल जी एक नया नया ट्रेंड आया हुआ है, हाँ हाँ 8.5 मात्रा 7.5 मात्रा साढ़े पांच हाँ मात्रा का बजाना, अभी एक बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल आया हुआ है। बिल्कुल तो हाँ हाँ बराबर बराबर मेरे से पूछे थे कि आपको 7.5 मात्रा बजाना आता है, मैंने कहा भाई 7.5 मात्रा आता नहीं, मैं तबले में बोले तो क्यों, तो मैंने बोला देखिए मैं तो गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तबला बजा रहा हूं, सुरों 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 के अंदर घुसना चाहता हूं, वहां पे तो बराबर वाला जो हिसाब किताब है उसमें मजा आता है। अब 7.5 मात्रा का ताल 7.5 मिनट ही बजेगे, आप 70 मिनट नहीं बजा पाओगे, तो 7.5 में ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बात। आजकल क्या है, ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि आप हाँ पुराने हाँ जितने भी कलाकार लोग हैं, जितने बड़े बड़े जी मतलब आप देखिए, मैंने खुद इतना आपने भी सुना होगा गुदाई महाराज जी जो हाँ पंडित अरे शामता प्रसाद जी थे बनारस बिल्कुल बिल्कुल घराने के, बिल्कुल मैं दे हाँ जी उनका तो एक आधे प्रोग्राम कभी कभार सुना था कि उन्होंने दूसरे ताल में वो भी झप ताल में बजाए या तो रूपक में बजाए, लेकिन जी 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 बराबर जी तीन ताल में क्या है आपको एक चीज बताता हूँ, सुकून है, सुकून जी सुकून सुकून है। क्या है, आप जैसे हमने कोई भी और बंदिश देखिए बजा रहे हैं। नहीं, ये एक बात हाँ जब आई, ये सनम से जो आपने बात छेड़ी वो बहुत अच्छी बात छेड़ी, 16 मात्रा की। हाँ, मैं सोच बिल्कुल रहा था कि ये आदि ताल इसको क्यों कहा जाता है, माने कुछ तो हाँ कारण क्या होगा। आदि ताल जो कहा जाता है, हाँ आदि हाँ हाँ ताल, ताल का एक हाँ ताल का नाम आदि है, आदि ताल है ना, तो ये आदि अभी ताल है। तो अब हाँ ये इसकी मात्रा मैं देख रहा था कि 16 मात्रा की ये जो है ताल है, तो मैं हाँ सोच रहा हाँ था हाँ ये हाँ 16 जो है, 16 का जो अंक हाँ है इसका क्या महत्व है? तो अब वो देखिए कि कलाएं भी हैं, जो जो कलाएं हैं वो 16 हैं, और 16 हाँ हाँ कला बिल्कुल संपूर्ण संपूर्णता जो है संपूर्ण वो भी एकदम 16 एकदम है। ये बात ये हाँ बिल्कुल ये बात मैं भी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और ये भी है मैंने ना, सोच के देखा है कि ये जो कलाएं हैं हमारे पास कितने हैं, बिल्कुल बिल्कुल 16 है, तो उसी बराबर हिसाब से सोलह। इस पे सब कुछ है सत्रहवा कला नहीं है, हाँ ना ना चंद्रमा ना में भी ये देखिए वही 16 कला है, कला ये बिल्कुल आर्ट में बिल्कुल भी 16 कला है, और ये जो मात्रा है बिल्कुल जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सनम हो, चाहे हाँ वो त्रिताल हो, चाहे जो भी हो, चाहे सितम आदि ताल जो भी जिसको हो कहते हैं, तो जो आदि बिल्कुल ताल बिल्कुल दिया गया होगा इसलिए आदि हाँ ताल कहा गया 16 मात्र, क्योंकि 16 के बाद और कोई वो नहीं हो, और संपूर्ण है, कोई 16 है नहीं। कला हाँ संपूर्ण। अभी जी जी अभी जी जी अभी एक सुंदर सुंदर एक घटना सुनिए,
जी मैं पापा पापा को बोला, मैं पहली बार जब रेडियो में ऑडिशन देने गया तो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने बाद वो कितने ताल बजाओ, उसमें एक लिस्ट होते हैं ऑल इंडिया हाँ रेडियो में, बराबर। तो उसमें मेरे ख्याल से 12-14 ताल उसको आपको लिस्ट में टिक लगाना होता है, तो मैंने तो लगा दिया। पापा को आके मैंने बोला, पूछा कि पापा जी आपने तो ऑडिशन का फॉर्म तो भर दिया कि, लेकिन आपने तो मुझे झपताल भी नहीं सिखाया, रूपक भी नहीं सिखाया, धमार भी नहीं सिखाए, पंचम सवारी भी नहीं सिखवाए, खाली तीन ताली तीन ताली भरते गए। मतलब छोटे बच्चे थे तब, वो यंग थे, तो हमने अगर वही चीज ना सिखाए तो हम कैसे बजाए, बाकी ताल कैसे बजाए, 16 के अलावा तो वो ताल हमने टिक लगा दिया। पापा ने, अब 16 की बात कर रहा हूँ सुनिए, बड़ी मजेदारी बात है, ये लोग ना सच्ची में ये लोग साधक है। मुझे बोले कि तेरे पास मैंने 1 रुपए दे दिया, कितनी बड़ी बात, गौर से सुनिए, तेरे पास जी जी 1 रुपए है, तू 1 रुपए हाँ से सारे सामान खरीद सकता है, चाहे वो हाँ 7 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 15 का हो, लेकिन तेरे पास 16 है। हाँ कितने सोच तो के, कितनी सोलह बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मैंने तुमको 1 रुपया दे दिया है। ना दे और दिया, अब तुम यदि मुझसे हाँ बात तो करो। ना, अच्छा अब चलिए मैं देखिए, आपसे, अब मैं आता हूँ, मैं तबले में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, हाँ हमारे फिल्म संगीत में तबले की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत यदि हम बहुत फिल्म बहुत संगीत को करें, और म्यूजिक जो है हमारे फिल्म संगीत के बिना वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा सा ये बताएं कि आप जैसे दिल्ली में आपने संघर्ष किया, तो कहीं मुंबई में भी संघर्ष किया क्या इसके लिए फिल्म हाँ, अरे आपने क्षेत्र एक एक अब मुझे फिर में? दोबारा से खुजला दिए। क्या बात है वो दुनिया भी मैं देख चुका हूँ। एक टाइम जी जी था जी जब देखिए सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पेट पालने के लिए पैसे भी हो साथ में ना, चार जी पैसे जी भी जी होना जी चाहिए जी आर्टिस्टों के पास, नहीं तो खाली शास्त्रीय संगीत करके जीविका चलाना बहुत तो मुश्किल एक टाइम होता है। आज की, चलो आज की डेट जी में जी मैं आप लोगों की दुआ से, या तो बड़े बड़े कलाकार के हाथ सिर पे है, इसलिए मैं चलो एक जगह एस्टाब्लिश हो गए, लेकिन मैं जी मुंबई एक टाइम एक जमाने में था, थे एक जमाने में, वो भी मशहूर संगीतकार कंपोजर जो है बप्पी लहड़ी, तो उनके पास मैं एक एक साल के आसपास उनके पास मैं था, वो उधर मुंबई में काम भी किया है, क्योंकि थोड़ा पैसे वैसे के लिए काम भी किया है। लेकिन क्या है कि फिर अंदर से ना वो होता है कि जैसे ना खुजलाता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड में बैठ के रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक साथ मान लीजिए 50-60 लोग तबला बजा रहे हैं एक साथ, और वही दागिना थी ना किसी ना दागिना। एक्चुअली क्या कि हमने कहरवा हमने जो तबला सुना है, आपने जो तबला सुने हैं, वो पुराने जो जमाने जी का तबला सुने हैं, वो बिल्कुल तो बिल्कुल तबले के, वो गाना तबले के लिए ही बनते थे, बराबर वो ऐसे बराबर ही सर, बनाया जाता था। लेकिन इसमें मतलब क्या हुआ, गुदली फिर वो करते 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 ये जस्ट एक मिनट में ये खत्म करता हूँ, तो वो फैन वहां मेरा रेगुलर पंडित जसराज जी के घर जाना आना, या तो जो वहां पे पुराने जो संगीतकार लोग हैं उनके घर पे जाना आना था। तो एक दिन मुझे यही लोगों ने बोला कि अरे नहीं तुम क्या कर रहे हो, आपने जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, इतने घंटों भर रियाज करके यहाँ मुंह मार रहे हो, छोड़ो तुम जाओ दिल्ली, जाओ जाके फिर स्ट्रगल शुरू करो, संघर्ष शुरू करो। तो मुझे वहां से वो लोग ने धक्के मार के भेज दिए, तो फिर मैं आके अपना लाइफ फिर शुरू किया, उसके क्या बात। बाद आज जो भी है आपके सामने मैं हूँ। तो वाह जी, हाँ, और किया उन्होंने उन्होंने किया, लेकिन वेस्टर्न और ईस्टर्न को जोड़ करके एक नया हाँ, फ्यूजन जो निकाला है, बप्पी दा नया उसके लिए एक याद किए रास्ता उन्होंने, जाएंगे, हाँ नहीं एक उसमें रास्ता तो अख्तियार उन्होंने किया बिल्कुल, लय सुर और ताल को दूसरी बात लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि वो एक्चुअली तबला वादक हैं, जी आपको अच्छा, शायद हाँ पता नहीं है, बप्पी दा हाँ जो हाँ है तबला वादक हैं, और वो जी गुदई जी महाराज जी का, पंडित समता प्रसाद जी का शिष्य है, तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा वो तबला बजाते हैं और अभी भी तबला जी बजाते हैं। जैसे आर डी बर्मन साहब ने भी, उनका शिष्य थे हमारे गुदई महाराज जी का, उसके बाद जी उन्होंने, सबसे मजे की बात है, मैं वहां जब इंडस्ट्री में था, बहुत सारे चीजें मैंने वहां सुना है, मैंने देखा है, आर डी बर्मन साहब उस्ताद अली अकबर खान साहब के पास सरोद भी सीखते थे, तो अच्छा मतलब हाँ, ये चीज है, तो मतलब ये दे आर ऑल स्टॉलवर्ट्स म्यूजिक कंपोजर, इसीलिए इन्होंने नए नए चीजें उन्होंने इनोवेट की आजकल अरे के आज तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अद्भुत, और सबसे जी मजे जी की बात पता क्या, उस टाइम उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट थे ही नहीं, सारे हाँ बिल्कुल नहीं एकोस्टिक थे, इंस्ट्रूमेंट थे,
ये सारे बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल हैं। और उसका उस देखिए जो भी जितने भी आप टेक्नोलॉजी निकाल दे उसमें से तबले का साउंड निकाल दे, सितार का टोन निकाल दे, या तो सरोद का टोन निकाल दे, लेकिन जो एकोस्टिक वाले का जो उसका जो मिजाज है वो मिजाज अलग है, उसका टोन ही अलग आएंगे वो। हाँ बिल्कुल देखिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो क्या होगा, मैकेनिकल मैकेनिकल लगेगा आपको, जो साउंड आपको वहां से निकलेंगे वो मैकेनिकल लगेगा। तो यही बात है कि आज की तारीख में जो भी संगीत, देखिए बीच में लोग कहते थे कि शास्त्रीय संगीत खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं, शास्त्रीय संगीत अगर खत्म हो गए हैं तो मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, मैं भी जो भी मेरा डिमांड फीस है वो तो मुझे मिल ही रहा है, फलाना सही है बात वो आर्टिस्ट भी है। दो हाँ लाख 4 लाख 5 लाख ले रहे हैं, तो क्या कभी मिल रहा है ना, तो इसका खत्म नहीं हो मतलब क्या है, सकता इसका साहब। हाँ हाँ ना कभी नहीं, कहाँ से खत्म होंगे, कभी खत्म नहीं हो सकता। वह अच्छा अब हाँ मैं थोड़ा सा प्यूरी आपसे, लगेगा। थाप में आपकी थाप में मुझे उनकी धड़कन सुनाई दे रही है, गुदई महाराज अभी की, सुनिए, तो वो कुछ उनका सुनाइए। अरे जी जी बोलना जी नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं, उनका एक वो बाया का जो था ना वो बिल्कुल देखिए वो खूब बिल्कुल बजाते थे, हाँ और वो चीज जो हाँ है मैं हर जगह थोड़ा कोशिश करता हूँ, होता नहीं है जी जी क्योंकि जी जी कहाँ, मैं जी नाखून के बराबर नहीं हूँ उनका, अरे कोई वो बात एक नहीं चीज साहब, नाखून तो हैं। जी जी बाया को जी जी लेके वो शुरू में देखिए एक चीज वो बजाते थे, और इतना बढ़िया उसका चलन था, और जो आप तबला ना जिसको समझ आ, 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 है ना, और फिर ई मंच है, गल ई मंच मतलब सत्य का मंच है ये, है ना। तो बिना बोल को सुनिए, बिना बोले आप उसमें मेरे को थोड़ा सा सुनाइए। जी देखिए उनका एक चीज सुना रहा हूं, जी 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 भगवान जी करे स्वागत वो मैं बजाता हूँ, जी खूबी बजाता हूँ उस चीज जी को, देखिए। क्या बात क्या बात क्या बात। उनका जो मैं एक्चुअल क्या बताऊं, उनका नहीं बायां नहीं सुनते थे तो मुझे हाँ ना हाँ ऐसा लगता था क्या वो बायां बजा के गए हैं, मतलब अरे रे 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 ये जो है बेजुवान, इनको देखिए उन्होंने ये चीज वो खुद खूब बजाते थे, ये वाला चीज जो बहुत लोग फॉलो करते हैं उनको, लेकिन वही है कि अपने अपने अंदाज होते हैं। अब मैं उनका तो पूरा जो चीज वो बजा के गए वो फॉलो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लेके चले गए बायां, वो लेके चले गए जहां तक मुझे जी मालूम है, नहीं वो लाए थे नहीं ऊपर से बायां सर लाए देखिए, थे। एक आप जैसी हाँ पीढ़ियों बिल्कुल के बिल्कुल, लिए ये बड़ी कसौटी है कि गुदई महाराज से आपने जो लिया है उसको बताना पड़ेगा आपको कि साहब नहीं ये है। मैं अब ये सोचिए कि तो आपकी वो जवाबदारी और देखिए आपकी मैं जिम्मेदारी कितनी है। बिल्कुल। और दूसरी बात पता है क्या साहब, मैं जब भी कहीं सोलो बजाता हूँ एकल वादन, तब मैं बोल के जी बजाता हूँ कि ये चीज हाँ हाँ उनका है, ये चीज बिल्कुल। उनका है, ये चीज नहीं उनका। नहीं अभी आपके देखिए रियाज में क्या, दिख रहा है मुझे वो, आप नहीं, मैं जो देखिए बजा रहे मैं हैं ना ऐसा वो कर दिख रहा अभी आप देखिए उनका है। तो हाँ है उनका, और एक तबला वादक जो है उनका, बहुत आप सुनिएगा यूट्यूब में, जी जी बहुत ही कम उनका है, जैसे दो लोग और मैं मानता हूँ बहुत, मैं क्या जी पूरी दुनिया मानती है, एक उस्ताद अमेरजान थिराकवा खान साहब, जिनकी बिल्कुल तबला बिल्कुल थिरकते बिल्कुल थे, और एकदम साहब एक मेरे दादा गुरु जी उस्ताद करामतुल्ला खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल इन दोनों का जो बैलेंस थे उस जमाने में, कोई माइक अच्छे नहीं मिलते थे लेकिन उनके दाया बाया का क्या बैलेंस, मतलब अरे साहब बिल्कुल बिल्कुल वो चीज देखिए आज आज के पीढ़ी के लोगों, मैं यही बोलता हूँ, मेरे अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी यही बोलता हूँ, भैया मुझे मत सुनो, उन लोगों को सुनो, उन लोग जो करके गए हैं वो चीज, अगर तुम 2% 1% भी बजा लोगे तुम सुधर जाओगे, या तुम्हारी क्या होता है कि भाग्य सुधर जाएगी, और बिल्कुल बिल्कुल बाकी बाकी कोई सुनता ही नहीं है, क्या बताऊं मैं आपको, सुनता ही नहीं है। तो वही है, दूसरी बात देखिए कुछ कंपोजिशन मैंने भी कुछ कोशिश किया है, बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल स्वागत जो जो स्वागत घराने से हट के थोड़ा जी मतलब ये आके बनाते हैं। तो पीछे देखिए तबले में जो है, तबले के विद्यार्थी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कई कायदा जो हम लोग बजाते हैं, जो तीन ताल में हो, झपताल में हो, कहीं पे भी जो कायदा हो, तो हर कायदे में तिरकिट का प्रयोग, या तो धिन्ना गिन्ना तिन्ना के नहीं, ये सब का प्रयोग होता है,
लेकिन मैंने एक दो कायदे ऐसे बनाए जिसमें क्रिकेट का नाम निशान नहीं, ठीक है, जैसे विद्यार्थी लोगों के जी लिए है, जैसे मेरा एक कॉम्पोजिशन है, मैंने पहले पढ़ लो कितना बढ़िया है, इसको ऐसे अंदाज से बजाना है, धा जी घेना तित घेना, तित तित जी एक शब्द है, वाह, धा क्या बात, घेना क्या तित बात, घेना, धाती धागे धिन्ना घेना, फिर उसके बाद आ रहा है, देखिए थोड़ा रियाज की बात है, धाती 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 घेना, धाती धागे धिन्ना घेना, हाँ वो क्या जो बात, क्या धाती बात, धाती धाती घेना स्वागत, है उस बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल पीसना पड़ता है। अब देखिए मैं एक बिल्कुल बार सर। बोल के बजाता हूँ अब और उसके बाद हाँ ऐसे बजाता सोलो हूँ। से भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये क्या है कि बारीकी से बजाना है, रियाज करनी है। अब तो लोग जो विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक एडवाइस कर रहा हूं कि अच्छा तबला बजाने के लिए कभी भी आप स्पीड के तरफ, गति के तरफ ध्यान ना दें। मेरा हाथ क्या जोड़ बात, के विनम्र अनुरोध है कि बिल्कुल आप बिल्कुल, जो बोल है उस बोल को ठाए लय में बहुत ही अच्छे से आप रियाज कीजिए, स्पीड का चिंता मत कीजिए, वो अपने आप आ जाएंगे। कि हमने क्या बात, उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब को देख लिया, कि अनिंदो चटर्जी जी को देख लिया कि वो इतना स्पीड में बजा रहे हैं, स्पीड में कभी नहीं बजाना, आपको बजाना है, आप लोगों को बजाना है, पहले ठा लय में बजाना है, वो उसको दो दो घंटे तीन तीन घंटे बजाना होता है, ऐसे नहीं होता है। वो अपने आप, अब जब तक वो दाना नहीं निकलेंगे साहब उंगली से, तो कोई फायदा नहीं है। अब वो क्या बात, मेरे पापा कहते हैं क्या तबला आजकल बजते हैं, मजाक करके कहते हैं, धा तेरे गेट तक तुम ना केट तक, पापा मेरे पापा कहते हैं, वो जब वो आठ गुण में बजाते हैं, रियाज तो करते नहीं है, तब वो तो लगता है धा तेरे गेट तक फुंकर तक, धा गेट तक फुंकर तक, फुंकर तक जी फुंकर तक, जी मतलब हाँ तुम ना केट तक नहीं आ रहा है। तो वही, इसीलिए मैं सबसे यही मेरा अनुरोध है, बच्चे आप जी लोग जी 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 ठाए लय में प्रैक्टिस करो, रियाज करो, क्या बात, और बिल्कुल कभी बारीकी से निकलेगा, सभी चीज बारीकी बहुत, से होना चाहिए। क्या बात है अधिकारी जी, वास्तव में जो आपका सरनेम है अधिकारी, अभी अब आपकी जिम्मेदारी बहुत है, अभी मतलब बिल्कुल आपको जामवंत बनना है और उन हनुमानों हाँ को समुद्र पार कराना है। परी मंच के की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इसी तरह ई मंच पर आप जुड़े रहें। अब कोई कहे बिल्कुल इसलिए बिल्कुल नहीं, आप ई मंच के संपर्क में रहें और इसी तरह संगीत बिल्कुल की साधना करते रहें कि संगीत है बिल्कुल शक्ति स्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले क्या बात आराम। है, ओके, योगी को मिले आराम, बहुत 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 धन्यवाद, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी।